हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। एंड अगर आप लौट कर आए हैं सो थैंक यू सो मच। एंड आज की वीडियो है फॉल्स ट्विन के बारे में। एक्चुअली बहुत सारे कमेंट्स आ रहे हैं कि मैम एक वीडियो फॉल्स ट्विन रिलेशनशिप्स पे भी बनाओ। फॉल्स ट्विन मीन्स ऐसा पर्सन जिसको आप ट्विन समझ के चल रहे हैं लेकिन वो आपका ट्विन नहीं है, दैट मीन्स वो फॉल्स ट्विन है। ओके, इज़ दैट क्लियर? तो आइए समझते हैं कि फॉल्स ट्विन में क्या डिफरेंसेस होते हैं रियल ट्विन के कंपैरेटिवली। नंबर वन, फॉल्स ट्विन्स हमेशा लड़ते झगड़ते रहेंगे एंड बहुत ज़्यादा अब्यूजिव होंगे। एंड अगर आप उनके रिलेशनशिप में हैं, उनके साथ रहते हैं या उनके आसपास कहीं रहते हैं तो आप ये नोटिस करेंगे कि वो जो ट्विन्स हैं वो किसी पर भी बड़ी ईजिली हाथ उठा देंगे। उनमें बहुत कम पेशेंस होते हैं, वो बहुत ज़्यादा ईगोइस्टिक होते हैं एंड वो किसी पे भी गुस्सा आने के बाद हाथ उठा सकते हैं। फॉल्स ट्विन्स जो होते हैं वो रेस्ट ह्यूमंस की रिस्पेक्ट नहीं करते एंड काइंड हार्टेड भी नहीं होते। सिमिलर वे में फॉल्स ट्विन, वो ट्विन फॉल्स है जो आपको हमेशा डीमोटिवेट करे, जो आपकी सक्सेस से खुश ना हो, हमेशा जेलस फील करे एंड आप जब भी अपनी खुशी जाहिर करें तो वो जेलस फील करके फ़ोन डिसकनेक्ट कर दे या फिर बात ही ना करना चाहे। दैट मीन्स ही इज़ योर फॉल्स ट्विन, ही इज़ नॉट द रियल ट्विन। सिमिलर वे में अगर किसी रिलेशनशिप की शुरुआत हुई है और आपको लगता है कि वो आपका ट्विन फ्लेम है लेकिन वो आपसे आपके प्रेजेंट लाइफ के कंपेरेटिवली आपकी पास्ट लाइफ के बारे में ज़्यादा पूछ रहा है कि आपके पास्ट रिलेशनशिप कैसे थे, आपके कितने BF थे या आपके कितने GF थे, दैट मीन्स द पर्सन इज़ योर फॉल्स ट्विन। क्योंकि रियल ट्विन फ्लेम कभी ऐसा नहीं करते, वो लाइफ में एक ब्लेसिंग की तरह आते हैं और मोटिवेशन देते हैं लाइफ में। और वो सेपरेशन फेज में भी इसलिए आते हैं क्योंकि हम उनकी तरफ ज़्यादा अट्रैक्ट हो जाते हैं, तो उनका मेन जो मकसद होता है वो सामने वाली पर्सनैलिटी को उनकी ज़िंदगी में उनकी इम्पॉर्टेंस समझाना होता है, ना कि उन्हें डीमोटिवेट करना, ना कि उनकी पास्ट लाइफ पूछना, उनके जख्मों को उधेड़ना, खुदेड़ना और उनके बिहाव पर उनको क्रिटिसाइज़ करना या उनको कुछ भी बोल देना उटपटांग। आई थिंक आप समझ रहे हैं। सिमिलर वे में अगर कोई आपका रियल ट्विन नहीं है और आपको बहुत लग रहा है कि वो आपका रियल ट्विन है तो आप ये देखना कि वो बहुत ईगोस्टिक होगा। ईगोस्टिक तो वैसे रियल ट्विन भी होते हैं लेकिन वो इतने ज़्यादा नहीं होते जितने फॉल्स ट्विन होते हैं। फॉल्स ट्विन में ईगो इतनी ज़्यादा होती है कि अगर आप कैरियर में सक्सेस करते हो तो भी वो जेलस फील करेगा एंड वो कोई मौका नहीं छोड़ेगा आपको नीचा दिखाने का। किसी भी पॉइंट पे वो ये सोचेगा कि इस पर्सनालिटी को कैसे नीचा दिखाया जाए, कैसे ये बताया जाए कि वो आपसे सुपीरियर है और आप इन्फीरियर हैं। दैट मीन्स द पर्सन इज़ योर फॉल्स ट्विन। ओके, इज़ दैट क्लियर? फॉल्स ट्विन का एक और पॉइंट है और वो ये है कि फॉल्स ट्विन जो हैं जब भी आप प्रॉब्लम में होंगे उस पर वो ध्यान नहीं देंगे। और रियल ट्विन की ये खासियत है कि अगर आप प्रॉब्लम में हैं और रियल में आप प्रॉब्लम में हैं, चाहे वो आपसे 2 साल से बात ना कर रहे हो लेकिन अगर उनको आपकी प्रॉब्लम के बारे में पता चलता है तो वो आपसे बात ज़रूर करेंगे, चाहे वो 2 मिनट करें चाहे 5 मिनट करें। लेकिन फॉल्स ट्विन आपसे आपके दुख को लेकर कोई बात नहीं करना चाहेंगे, उसको इग्नोर कर देंगे, उन मैसेजेस को रीड करके भी कोई रिप्लाई नहीं करेंगे एंड अगर उनको पता भी लगेगा तो वो कोई चिंता व्यक्त नहीं करेंगे क्योंकि उनका आपकी तरफ कोई अट्रैक्शन, कोई लव, कोई डिवोशन है ही नहीं। वो बिल्कुल अपनी लाइफ में सेंट्रल प्रोसेस्ड हैं, वो बिल्कुल अपने आप को महत्व रखते हैं, अपने आप को सुपीरियर समझते हैं और उसके अलावा वो लाइफ में किसी को भी सुपीरियर नहीं समझते। फॉल्स ट्विन रिलेशनशिप में हमेशा आपको नेगेटिविटी ही मिलेगी। जितना मर्जी अगर आप स्पिरिचुअल ग्रोथ के प्रोसेस पे हैं, अगर आप स्पिरिचुअल अवेकन हो रहे हैं तो भी जब आप अपने फॉल्स ट्विन से बात करेंगे तो आपको ना तो स्पिरिचुअल ग्रोथ के प्रोसेस में मोटिवेशन मिलेगा और ना ही उस पार्टनर से बात करके उसके रास्ते में कोई मोटिवेशन दिखेगा। वो आपको हर तरह से डीमोटिवेट करेगा जो आपका फॉल्स ट्विन होगा। फॉल्स ट्विन रिलेशनशिप में आप हमेशा अपने आप को स्टक फील करेंगे। आपको ऐसा लगेगा कि आप इस रिलेशनशिप को मन से नहीं चाह रहे हैं क्योंकि आपको बहुत सारी कमियां नज़र आएंगी सामने से जो आपको
दिख रही हैं, आपको महसूस हो रही हैं, आपको फील हो रही हैं, लेकिन तब भी चाहकर भी आप उसको छोड़ नहीं सकते। दैट मीन्स द पर्सन इज योर फॉल्स ट्विन। हैव यू गॉट माई पॉइंट? तो अगर इनमें से काफ़ी सिमिलैरिटीज हैं आप में, आपके ट्विन में, दैट मीन्स द पर्सन इज योर फॉल्स ट्विन, एंड उसके पीछे भागना, उस पर स्टक होना, उसको इंपॉर्टेंस देना आप छोड़ दीजिए। बिकॉज मैं हर वीडियो में कहती हूँ कि अगर आपका कोई रियल ट्विन भी है तो जब तक आप उसको इंपॉर्टेंस दोगे तब तक आपकी लाइफ अच्छी नहीं होगी। एंड आपका फर्स्ट जो आपका काम है वो आपको खुद को पहचानना है, खुद की लाइफ को सेटल करना है, खुद के फैमिली को सेटल करना है, चाहे वो आपके पेरेंट्स हैं, चाहे जो भी है आपकी लाइफ से जुड़े हुए लोग। लेकिन अगर रियल ट्विन भी है तो आपको उस पर स्टक नहीं होना। और ऐसे में अगर आप फॉल्स ट्विन पे स्टक हुए पड़े हैं, दैट मीन्स आप अपनी लाइफ पूरी तरह से खुद स्पॉइल कर रहे हैं। वो कहते हैं ना, आ बैल मुझे मार, या फिर अपना सर खुद ओखली में दे देना। तो आप इन दोनों पॉइंट्स में से एक काम कर रहे हैं कि आपको पता है आपका फ्यूचर नहीं है उसके साथ, आपको पता है वो हमेशा आपको डिमोटिवेट करेगा, आपको पता है वो आपकी कभी रिस्पेक्ट नहीं करेगा, लेकिन आप कहीं ना कहीं उसको दिल दे बैठे हैं और आपको लगता है कि आप उसको चाहकर भी छोड़ नहीं पा रहे हैं, या फिर कुछ नेगेटिव पोजिशन आपके ऊपर ऐसा है कि जो आप चाहकर भी उससे अपने आप को हटा नहीं पा रहे हैं। तो जो भी है आपको खुद समझना होगा, इसका समाधान कराना होगा। फिलहाल के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। Have a lovely day. May God bless you all.